नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जान लीजिए कि अभी उनके नेतृत्व में यहाँ सरकार चल रही है, जिस तरह यहाँ बिहार को कायाकल्प करने का काम किया, हमारे नेता ने संकल्प लिया है सभी विपक्षी एकता को एक साथ करने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन, मैं हूँ अंकित कुमार झा। पूर्णिया पहुँचे जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधन। वहीं उपस्थित प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा जदयू की टूट को लेकर भरम फैला रही है, जबकि हकीकत यह है कि आज तक भाजपा जदयू के एक भी कार्यकर्ता को नहीं तोड़ पाई हैं। वहीं चिराग पासवान को लेकर उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को एनडीए में सम्मिलित करने से भाजपा को कोई फायदा नहीं होने वाला है, जनता सब जान चुकी है। आइए क्या कुछ कहते हैं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, आपको हम सुनवाते हैं। उपस्थित माननीय सांसद संतोष कुशवाहा जी, सामान्य जिला अध्यक्ष राकेश जी, मुख्यालय प्रभारी हमारे रणी विजय जी और यहाँ उपस्थित पार्टी के कार्यकर्ता नेता और आप उपस्थित मीडिया के सम्मानित साथी गण, आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी मेरा दौरा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सभी प्रमंडल बार दौरा चल रहा है और यह दौरा कार्यक्रम बापू की कर्मभूमि या माता सीता की शरण भूमि चंपारण की धरती से स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ और प्रमंडल वार प्रमंडल सभी जगह हम जाके मिल रहे हैं। ये दौरा ऐसे तो मैं कई बार सभी जिला का दौरा कर चुका हूँ विभिन्न कार्यक्रम में, लेकिन यह जो दौरा है यह खास है। 2024 जो मिशन है उसके लिए समर्पित है यह दौरा। आज देख रहे हैं कि देश की जो स्थिति है, देश के जो हालात है, जो राजनीतिक स्थिति है, जो निर्णायक मोड़ पर खड़ी है, जो भाजपा के द्वारा जो मौजूदा केंद्र सरकार है, जिसके द्वारा जो अघोषित रूप से जो है आपातकाल की स्थिति लाया गया है, आज जो है लोकतंत्र लहूलुहान है, ये जो हमारे संविधान के संघीय ढांचे हैं उसको नष्ट किया जा रहा है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको जो है वो मजाक बन के रह गया है, वो पालतू तोते की तरह जिसका उपयोग जो है अपने विपक्षी को परेशान करने के लिए, तबाह करने के लिए किया जा रहा है। तो आज देख रहे हैं जो बुनियादी समस्याएं हैं, जो बुनियादी हालात है, बुनियादी समस्या है, बेरोजगारी जो है, जो महंगाई है, उससे भाजपा की सरकार को कोई लेना देना नहीं, विकास का एजेंडा कुछ नहीं है उसका, उसका मात्र एक एजेंडा है सत्ता में कैसे बने रहें, जाति और धर्म के नाम को फैलाकर, भेद को पैदा करके और सत्ता में बना रहना चाहता है। और हम लोग के जब से ये विपक्षी एकता की बैठक हुई है 23 जून को, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब बैठक हुआ और यहाँ 17 दल के भारत के सभी दिग्गज नेता आए और सभी लोग ने एक स्वर से कहा कि भाजपा हटाओ देश बचाओ, जो आज संविधान खतरे में है, जो हमारा गौरवशाली नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप जान लीजिए कि अभी उनके नेतृत्व में यहाँ सरकार चल रही है, जिस तरह यहाँ बिहार को कायाकल्प करने का काम किया, हमारे नेता ने संकल्प लिया है सभी विपक्षी एकता को एक साथ करने का, सभी विपक्षी मत को एक मत करने का, और जो है देश से जो संविधान जो आज खतरे में है, जो इतिहास बदला जा रहा है, जो लोकतंत्र लुहान है, इसको बचाने के लिए सब एकजुट हो रहे हैं। सर लास्ट सवाल ये है कि सर जदयू कितना मजबूत है इस क्षेत्र में? जदयू पूरा मजबूत है, हमारी संगठन जो है यहाँ आके हम मिल रहे हैं, सभी निचली इकाई के लोगों से भी मिल रहे हैं, हर स्तर पर हम देख रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, बहुत अच्छा मजबूत है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता जान चुकी है, जनता महापरिवर्तन चाहती है, इस बार जो है महापरिवर्तन होगा पूरे देश में, भाजपा हटाओ देश बचाओ यही संकल्प लिया गया है सभी, और इसमें सब मुहिम में सब लोग लगे हुए हैं।